MBA तो मैंने बाद में किया, इट वॉज काइंड ऑफ पासपोर्ट फॉर द एंट्री इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, लेकिन उससे पहले मैंने मैथ कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया था। जो पढ़ता है वो चाहता है कि वो कभी ना कभी लिखे। वन फॉर्चुनेट मोमेंट आई रोट समथिंग अबाउट माई फादर, एक दोस्त ने उन्हें दिखाई, उन्होंने कहा कि यार हाँ ये तो अच्छी है, मतलब वो अकील अब्बास जाफरी, बहुत से लोग उनको जानते होंगे। मैं कहीं पर जाता हूँ ना तो जिसको नाम नहीं पता होता, इवन फैमिली फंक्शंस में भी सवाल यही एक दूसरे से और होता है ये कौन है दाढ़ी वाला। बहुत वसी रेंज है, मतलब जो मेरे पढ़ने वाले हैं वो तो ये कहते हैं कि खूब दरख्त से पत्ता भी गिर जाए तो उस पर हसैन जमाल पूरा ब्लॉक करवा देता है। ज़िंदगी में वो आम चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं, तो ज़्यादातर मैं उन पर लिखता हूँ। यार मुश्किल लम्हे में मेरा वही रिएक्शन होता है जो किसी भी आम इंसान का हो सकता है। हम लोग जो ये कहते हैं ना कि गुस्से में, तकलीफ़ में, रंज में, नुकसान पे, यार बस ठीक है जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है क्या हो सकता है, ये बड़ी मज़े की चीज़ है जो कि हमारे ही पास है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक ऑथर हैं, राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं और ब्लॉगर हैं। हम इनसे जानेंगे कि ज़िंदगी जो कि बहुत मुश्किल कभी कभी इंसान को लगती है, उसे आसान बनाने के लिए ये किस तरह से सोचते हैं। इन्होंने अपना एक स्टाइल बनाया और दाढ़ी वाला के नाम से ये किताब भी लिखी जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ मौजूआत पर बात की। हम इनसे जानेंगे कि ये ज़िंदगी को कैसे देखते हैं और आने वाले वक्त में ये क्या करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन जमाल साहब आपकी तशरीफ आवरी का। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने MBA मार्केटिंग किया, मैथ्स कॉम में ग्रेजुएशन की, आप लिखने की तरफ क्यों, कब और कैसे आए? MBA तो मैंने बाद में किया, इट वॉज काइंड ऑफ पासपोर्ट फॉर द एंट्री इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, लेकिन उससे पहले मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया था। ठीक है, तो वो जो मास्टर्स था बेसिकली उसकी बुनियाद यही थी कि लिखने का, पढ़ने का शौक़ वो बचपन से था। अच्छा, जो पढ़ता है वो चाहता है कि वो कभी ना कभी लिखे। ठीक है, तो पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया कि मतलब कितना पढ़ना है बाबा, तो वो जो जमा होता है फिर वो कभी निकलता भी। वन फॉर्चुनेट मोमेंट आई रोट समथिंग अबाउट माई फादर, उसमें फिर ये हुआ कि वो जो अब्बा के बारे में लिखी वो मैंने एक दोस्त ने उन्हें दिखाई, उन्होंने कहा कि यार हाँ ये तो अच्छी है, मतलब वो अकील अब्बास जाफरी, बहुत से लोग उनको जानते होंगे, उनकी शफ़क़त थी, मेहरबानी है उनकी, उन्होंने कहा तुम लिख सकते हो, तुम लिखो। तो उसके बाद फिर ज़िंदगी में बहुत लोग आए, वजाहत मसूद, सदीक़ा बेगम, आसिफ फ़रूख़ी, ये सब वो लोग थे कि जिन्होंने मेरे लिखने में और मुझे इस किताब तक पहुंचाने में जिनका हाथ है। तो बस उन्हीं की वजह से जो है मतलब ये मामला यहाँ तक पहुँच गया। सर दाढ़ी वाला ये जो आपकी किताब का टाइटल भी है, ये असल में आपने क्यों चूज़ किया, इसके पीछे क्या वजह थी? दाढ़ी वाला किस्सा बड़ा मज़े का है यार, मतलब मैं कहीं पर जाता हूँ ना तो जिसको नाम नहीं पता होता, इवन फैमिली फंक्शंस में भी यही होता है कि वो सवाल यही एक दूसरे से और होता है ये कौन है दाढ़ी वाला। अच्छा, अब वो चूँकि एक गैर रिवायती दाढ़ी है, एक ऐसा हुलिया है कि जो आम तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं होता, या कह लीजिए कि थोड़ा सा हटके होता है। आपने अभी देखा होगा कि जितने नए बच्चे हैं, या वो एक हिपी कल्चर पहले होता था और एक अब कल्चर है, वो यही दाढ़ी और बाल बड़े हुए हैं और बस ऐसे ही चल रहा है मतलब। तो ये ख़ास नाक नक्शा जो है ये जहाँ भी जाता है ये सवालात क्रिएट करता है, और पहला सवाल यही होता है कि ये बंदा है किस कमाश का, क्या है, क्या करता है। तो दाढ़ी वाला जब किताब का नाम हम लोग डिसाइड कर रहे थे तो आई आस्क्ड देम कि यार इसको जमाल गुफ्त नाम रखें, जिस नाम से मैं कॉलम लिखता था। अमर भाई जेलम बुक कॉर्नर पे हैं, वो उसके ऑनर हैं, अमर गगन दो भाई हैं। अमर सेड कि यार हसैन भाई ये लोग इस नाम में उलझ जाएंगे, उन्हें समझ नहीं आएगी क्या है, नाम ऐसा हो जो किसी बुक स्टॉल पर पड़ी हुई है, इवन रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल पर, तो अगला बंदा एक बार देखे ज़रूर कि यार किताब क्या है, है क्या इसके अंदर। ठीक है, तो देयर शुड बी समथिंग के जो उसको ये खोलने पे मजबूर करे, तो दाढ़ी वाला नाम रखते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। दूसरा उन्होंने ये कहा कि तस्वीर आपकी टाइटल पे लगाएंगे। अच्छा, मुझे मालूम है तस्वीर मेरी बिकती है, बट उमूमन ये होता है कि जो लोग फौत हो चुके होते हैं जी, तस्वीर उनकी लगती है। ठीक है, मंटो का मजमुआ, ऊपर मंटो की स्टाइलिश सी तस्वीर लगी हुई है, हसनैन जमाल जिंदा है, लेकिन थिंग इज कि जो चीज़ बिकती है आपने बेचनी है। अमर भाई सेड एंड आई लाइक अग्रीड राइट एट द मोमेंट के अमर भाई बराबर बिल्कुल यही चलेगा, मतलब हसैन जमाल की तस्वीर होगी, दाढ़ी वाला नाम होगा और ये टैग लाइन होगी, और मतलब
20 मिनट में ये सब फाइनल हो गया था, बट इट क्लिक्ड, क्योंकि वो बेचने वाला है, ही नोज, ही इज द पर्सन जो मार्केटिंग जानते हैं. तो दैट इज व्हाट इट इज. सर, आपने ज्यादातर जो लिखा है वो किन मौजूआत पे लिखा है? बहुत वसी रेंज है. मतलब जो मेरे पढ़ने वाले हैं वो तो ये कहते हैं कि कोई दरख्त से पत्ता भी गिर जाए तो उस पर हसन जमाल पूरा ब्लॉग करका देता है. ठीक है. अब उसमें ये है जो बुनियादी तौर पे मतलब लिखने का मामला है वो ये कि ज़िंदगी में वो आम चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे वो एक शेर भी था कि मैं रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ कौन देखता है, मैं जब यहाँ नहीं हूँगा कौन देखेगा, सॉर्ट ऑफ दैट. अब दिमाग से शेर एग्जैक्ट निकल गया. लेकिन जिन डिटेल्स को हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, जिन डिटेल्स की तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती, बहुत छोटी सी चीज़ें होती हैं, तो ज़्यादातर मैं उन पर लिखता हूँ. मसलन इसी में एक कॉलम है, बुझी हुई रातें गुजारने वालों से खिताब. इसी में एक कॉलम है कि पर्सनल स्पेस क्या चीज़ होती है. इसी में ये है कि जब आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जाते हैं तो आपके साथ क्या सलूक होता है. तो देर आर नंबर ऑफ थिंग्स कि जो हम बिल्कुल, या बल्कि एक सबसे ज़्यादा इसमें है या नहीं है मुझे याद नहीं, वो ये था कि डिजिटल घड़ी और एनालॉग घड़ी में क्या फ़र्क था. अच्छा. डिजिटल घड़ी जो है वो आपको हर वक्त चालू रखती है, वो यार वो हो 3 मिनट रह गए. एनालॉग घड़ी जो है वो बिल्कुल ठंड प्रोग्राम है, मतलब आप देख भी रहे हैं ना, आप कहेंगे अच्छा अच्छा 1:10 है. डिजिटल घड़ी बताएगी 12:50. वो जो 12:50 ना, वो आपको फौत कर देते हैं, उस्ताद ये तो अब 10 मिनट रह गए. एनालॉग घड़ी आपको कोई टेंशन नहीं दे रही होती, वो चल रहा था. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें इसी में. सर, ज़िंदगी में हर इंसान के मुश्किल लम्हात आते हैं. आपकी ज़िंदगी में जब कभी मुश्किल लम्हा आता है आप उस वक्त क्या करते हैं? लिखते हैं, पढ़ते हैं, या क्या करते हैं? यार मुश्किल लम्हे में मेरा वही रिएक्शन होता है जो किसी भी आम इंसान का हो सकता है. बहुत तकलीफ़ का लम्हा है तो ज़ाहरी बात है मैं रो लूँगा, और अगर उससे कम तकलीफ़ है तो अफसोस होगा, पछतावा होगा. उससे कम तकलीफ़ है तो गुस्सा आएगा कि ये क्यों है. तो ये डिपेंड करता है. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि हम लोग जो ये कहते हैं ना कि गुस्से में, तकलीफ़ में, रंज में, नुकसान पे, और यार बस ठीक है जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है क्या हो सकता है, ये जो हमारा एक जो बिल्कुल एक आम सा लफ्ज़ बन गया ना हमारा कहना कि यार बस ठीक है अल्लाह की मर्ज़ी देख लेंगे, ये बड़ी मज़े की चीज़ है जो कि हमारे ही पास है जी. मतलब मैं आपको ऑनेस्टली कहूँ तो ये शायद दुनिया भर में हमारे ही पास है ये रवैया. जितना बड़ा मर्ज़ी नुकसान हो जाए हम लोगों ने ये कहना कि यार अल्लाह की मर्ज़ी बस ठीक है. ये बेसिकली हमें एक इतना बड़ा शोल्डर मिलता है टू क्राई अपॉन कि उसके बाद बंदा दिल हल्का करके और बैठ जाता है कि यार लिखा ही यही था, अब क्या हो सकता है, यू कांट डू एनीथिंग. ये सोच अगर आपके पास है तो इस सोच से फ़ायदा भी बहुत है, बाज़ जगह पे नुकसान भी होता है कि आदमी थोड़ा सुस्त होकर बैठ जाता है, आप ही कह लें. लेकिन मजमूई तौर पर हमारे पास ये बहुत बड़ा आसरा है. मतलब मेरा तो यही है भाई कि मतलब हो गया, सब कुछ कर लिया, रो धो भी लिया, गुस्सा भी कर लिया, सब हो गया, उसके बाद आखिर आप क्या कर सकते हैं? आप लाचार हैं, आप मजबूर हैं, आप कहेंगे बस यार जो लिखा था जो मर्जी है मालिक की. दैट इज़ व्हाट. सर, इंसान खुद अपनी ज़िंदगी को बसा औकात मुश्किल बना लेता है. अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आप कुछ बताएं. यार अपनी ज़िंदगी को आप खुद आसान कभी भी नहीं बना सकते. वो एक आप कह लीजिए कि पूरा शुरू से एक तरबियत का प्रोटोकॉल होता है. आप जिन हालात में पैदा हुए, आपने जिन हालात में गुजर बसर की, उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी जिस खुसूसी सेट पैटर्न पे पहुंच गई, उसमें से अगर आपको आसानी किसी तरह से मिल रही है तो ये भी आप यकीन करें कि ये आपकी किस्मत का ही खेल है. आप कोशिश ज़रूर करते हैं, ठीक है, दौड़ लगाते हैं, सब स्प्रिंट रेस सब लगा रहे हैं, ठीक है. उसमें एक खिलाड़ी की शर्ट पे 10 है 11 है 12 है 1 2 3 हर एक ने अपना नंबर लिखवाया हुआ है. एक बंदा जीतता है, ठीक है. वो जो एक बंदा जीत जाता है ना तो उसकी फिर मिसालें दी जाती हैं कि यार इसे कामयाबी मिली इस वजह से मिली कि इसने ये सब काम किए. लेकिन जो 20 बंदे हारते हैं ना उनकी नाकामी का बाप कोई भी नहीं होता, ठीक है. कामयाबी के साथ सब हैं. तो बेसिकली कामयाबी का सेट पैटर्न कोई नहीं है, बस ये किस्मत है आपकी. आप कामयाब हो जाएं, कोशिश आप करेंगे, आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा, मेरी कोशिश क्लिक कर जाएगी, आपकी कोशिश क्लिक नहीं करेगी, या आप ही क्लिक कर गई मेरी क्लिक नहीं कर गई, तो वो आप उसको डिफाइन थेरीज में कर सकते हैं, ठीक है. बट प्रैक्टिकली उसको आप जितना मर्जी अप्लाई कर लें वो इट डिफर्स फ्रॉम 1% टू एवरी अदर पर्सन, ठीक है. तो दैट इज़ इट. सर, इंसान के अंदर एक जल्दबाजी है और गुस्सा है जब वो कुछ करना चाह रहा होता है और वो ना हो रहा हो, उस जल्दबाजी और गुस्से को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
देखिए यहाँ तो मैं दाढ़ी वाला का ही जिक्र करूँगा, मतलब इस किताब में बेसिकली सारा नज़रिया यही है कि ज़िंदगी में एक चीज़ होती है स्लैंग है, ठंड प्रोग्राम। ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना तत्ते तवे पे खड़े होते हैं, हमें हर चीज़ फ़ौरन चाहिए होती है। यार फ़ौरन कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने ज़िंदगी भर यही देखा है, आप यकीन कीजिए कि मतलब खड़े पैर ही कुछ भी नहीं मिलता। आप कोशिश करते रहेंगे कोई एक लम्हा होगा, वो कोशिश आपकी जो है वो आपको एक स्टेप और आगे बढ़ा देगी। हाँ, आपका कोई प्राइस बॉन्ड निकला है या कोई लॉटरी लग जाए या कोई, वो एक तरीका, लेकिन फिर मैं बताऊं कि वो 100 में से 1 या 1000 में से 1 बंदा होता है और उसकी बहुत मिसालें होती हैं। ठीक है, लेकिन आम बंदे की ज़िंदगी में जो है ना वो बस यही चलता है, तो यही है। सर, जो लोग आपकी किताब पढ़ते हैं, आपको सुनते भी हैं, देखते भी हैं, उनको आप क्या ज़िंदगी के लिए मशवरा देना चाहेंगे? यार जो मेरी किताब पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उनको वाहिद मशवरा यही मैं दूंगा कि प्रैक्टिकल रहें। किताब पढ़ने वाला हमारे यहाँ तबका वही है जो मेरे जैसा होता है, जो आपके जैसा होता है। किताब पढ़ के आदमी ना ठंडा हो जाता है, मतलब ये कि प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा नहीं रहता। ठीक है, अब ये दो चीज़ें जो है ना इनमें तसादुम आ रहा है। आप देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि ज़िंदगी ठंड प्रोग्राम है, अभी मैं कह रहा हूँ किताबें पढ़ने से आदमी ठंडा हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये दो अलग मामला, बैलेंस्ड। हाँ, एक बैलेंस्ड अप्रोच बीच में चाहिए। किताब हम लोग पढ़ने वाले ये होते हैं कि बस पढ़ ली, उसके बाद ये हुआ कि ज़िंदगी कैसे गुजारें या ज़िंदगी के सबक या ये या फिक्शन या कुछ भी, और हम उस अफसानवी दुनिया में जाके ख़ुद को उसका एक कैरेक्टर फील करते हैं और हम सोचते हैं हमारे साथ भी यही होगा, जैसे फिल्में और ड्रामे देख के आप करते हैं ऐसे ही। तो यार रियल वर्ल्ड बड़ी टफ है और वो बिल्कुल एक अजीब इसके अंदर मामला है। किताबें पढ़ें, लेजर टाइम गुजारें, लेकिन उसको दिमाग पे हावी मत करें। ठीक है, करें वो जो आपको समझ में आती है, करें वो जो आपका दिल चाहता है। कोरोना में तो वैसे ही मुझे ये बहुत ज़्यादा आइडिया हुआ है कि उस साथ ज़िंदगी का कुछ भी नहीं पता, तो वो करके मरें जो आप करना चाहते हैं। सर, ये फैसला इंसान कैसे करे कि जो वो करना चाहता है वो सही है या वो गलत है? ये फैसला तो दिमाग से नहीं होता, ये तो दिल से होता है। अब ये फिर एक जज्बाती सी बात है भाईजान, लेकिन बात यह कि अगर आप दिमाग के बंदे रहेंगे तो आप कभी कुछ कर ही नहीं सकेंगे। ठीक है, जो करता है वो दिल वाला ही करता है। ठीक है, मतलब देखिए मैं इसमें आपको बताता हूँ, आपने नए जूते पहने हैं और ये चमकता हुआ फर्श है, आप यहाँ CEO हैं, लेकिन आपका दिल कर रहा है यार मैं भागता हुआ जाऊँ, मैं फर्श पर लंबी सी स्क्रीच लगाऊँ, ऐसे जैसे बचपन में आप स्लिप होते थे। ठीक है, ठीक है, आपका सोल सपोर्ट कर रहा है, मतलब जूते का जो सोल है वो स्क्रीच मारने का बस आपका दिल कर रहा है, आप नहीं करेंगे, आप खड़े रहे कर लें, कोई नहीं, एक दो बंदे देख लेंगे शोखा हो रहा है, ओके फाइन, लेकिन आपको जो दिल कर रहा है ना आप वो करें। ठीक है, तो ये छोटी छोटी हसरतें अगर हम साथ साथ पूरी करते रहें और इसमें एक आधी कोई बड़ी भी लपेट में आ जाए, अल्लाह बेहतरी करता है। सर, कासिम अली शाह साहब के साथ आपका एक अच्छा ताल्लुक है, आप उनको सुनते भी हैं, उनके वीडियो लेक्चर्स भी हैं, किताबें भी हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? यार शाह साहब का तो मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे बड़ी बात यह कि हम कोई चीज़ जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, तो अभी बल्कि शाह साहब की मेहरबानी उनसे अभी मुलाकात भी हुई तो मैं यही बात कर रहा था, तो वो आम और सादा तरीन अल्फाज में होनी चाहिए। जब वो शाह साहब की चीज़ एक होती है ना आम और सादा तरीन अल्फाज में, तो वो जिस तरह लोगों तक पहुंचती है और जो उन पे असर करती है, दैट इज़ सुपर। मतलब पैगाम देना है ना, एक पैगाम वो है जो आप जिन्नाती ज़बान में दे रहे हैं, जो एक हमारे यहाँ राइज ज़बान है किताबों की उसमें दिया जाता है, एक पैगाम वो है जो बिल्कुल आम फहम अंदाज में दिया जा रहा है और वो हर बंदा समझ रहा है कि हाँ यार ये बात की जा रही है और इसका मकसद ये है, कोई गोल मोल नहीं है, जो कह रहे हैं उसमें क्लैरिटी है, लफ्ज़ों में भी क्लैरिटी है, क्लैरिटी ऑफ थाट भी है, तो वो दो चीज़ें शाह साहब के पास हैं और खुदा की नेमत है। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन जमाल साहब आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग सेल्फ हेल्प से रिलेटेड टॉपिक्स पे डिस्कशन चाहते हैं या उनको सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो ज़िंदगी को आसान किस तरह से गुजारें, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।